इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंटीना। तो जो भी एंटीना रेडिएट करता है, तो एक्चुअल में जो भी फिजिकल लेंथ हमें दिख रही होती है, वो एग्जैक्ट वही फिजिकल लेंथ हम इफेक्टिव लेंथ नहीं अज्यूम कर सकते, बिकॉज ये लेंथ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। और जो हम फिजिकल लेंथ अगर मानते हैं, तो फिजिकल लेंथ के केस में हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानकर जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करते हैं। तो एक तरीके से इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर लेंथ में जिसका हम यूज़ कर रहे हैं रेडिएशन के लिए, वहाँ पर उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बिकॉज वेरिंग करंट के नाते ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ रिप्रेजेंट द एंटीना इन इट्स ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मोड, एंड इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन रिलेटिंग ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ रिसीविंग एंटीना। ओके, तो अगर ई आई दैट इज इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर है, और वी ओ सी दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग ओपन सर्किट वोल्टेज, वी आर कैलकुलेटिंग ओपन सर्किट वोल्टेज, देन दिस वी ओ सी दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू एल इफेक्टिव, और वी में से दैट वी ओ सी या एल ई, एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू वी ओ सी डिवाइडेड बाई ई आई। सो द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द एंटीनास एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेंथ इन विच द डायरेक्शन इज पोलराइज, बिकॉज हो सकता है कि भाई पोलराइजेशन भी डिफरेंट हो, ठीक है। तो जिसके नाते हमें जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम मिल सकती है या फिर ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं, कि हमने ये माना कि यहाँ पर जो साइनोसॉइडल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो लेंथ है हमारे, ये जो लेंथ दी हुई है, लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा बाई टू लेंथ हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, लैम्डा बाई टू लेंथ हमें यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर लेंथ लैम्डा बाई टू के साथ यहाँ पर जो हमें आई जेड, अगर हम अब इसको फार्मूलेट करना चाहेंगे, तो आई जेड विल बी इक्वल्स टू जो मैक्सिमम करंट होती है दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट, तो आई नॉट इंटू साइन ऑफ टू पाई बाई लैम्डा दैट इज बीटा, टू पाई बाई लैम्डा इंटू जेड, ओके इंटू जेड। सो वेन एवर देर इज वट एवर द वैल्यू ऑफ जेड इज, तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ द जेड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन का, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक तरीके से अगर हम लोग देखें कि अगर हमने यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू जीरो एज्यूम कर लिया है, अगर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर जेड इज इक्वल्स टू जीरो एज्यूम कर लिया है, ठीक है, जेड इज इक्वल्स टू जीरो एज्यूम कर लिया है, तो और यहाँ पर हम लोग जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू एज्यूम कर रहे हैं, जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू एज्यूम कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो, एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो आई जेड की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, आई जेड एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो कितनी आ रही है, आई जेड इज इक्वल्स टू आ रहा है आई नॉट साइन जीरो, सो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो आपको पता है, सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और वैसे ही एट जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू, ये जो लैम्डा बाई टू है, तो यहाँ पर टू पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई टू की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई, सो आई जेड जो कि हम लोग यहाँ पर करें, आई जेड एट जेड इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू कितना हो जाएगा, आई जेड एट जेड इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू हो जाएगा आई नॉट साइन पाई, तो आई नॉट साइन पाई की वैल्यू बताइए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अगेन दिस विल बिकम जीरो, ठीक है, ये फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, एंड एट जेड इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू, एट जेड इक्वल्स टू लैम्डा बाई फोर अगर हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो टू पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई फोर, सो दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम पाई बाई टू, सो यहाँ पर पाई बाई टू हो गया, तो आई जेड एट लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, आई जेड एट जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई फोर मीन्स एट द मिड पॉइंट इट विल बिकम आई नॉट साइन ऑफ पाई बाई टू, सो दिस विल बिकम आई नॉट, ओके दिस विल बिकम आई नॉट, ओके। तो ये आपका हो गया ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज इक्वल्स टू आई जेड इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ टू पाई बाई लैम्डा इंटू जेड, ओके। अब अगर हम लोगों को
इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोगों को इफ़ेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो इफ़ेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। इफ़ेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि आई जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ 2π/λ इंटू जेड। ओके, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे, देखिए अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसे कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर के लैम्डा बाई टू तक। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग फिजिकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा बाई टू। तो एक तरीके से अगर आप यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई इफेक्टिव या फिर एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एल फिजिकल दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ऑफ 2π/λ इंटू जेड डी जेड। ओके, लिमिट विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम जेड इज इक्वल्स टू जीरो टू लैम्डा बाई टू डिवाइडेड बाई हियर द लेंथ इज लैम्डा बाई टू। ओके, हियर द लेंथ इज लैम्डा बाई टू। ओके, सो फिजिकल लेंथ तो हमें पता ही है, ठीक है ना, कितनी होगी लैम्डा बाई टू, और यहाँ पर हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग ने एवरेज मान रखा है तो हम लोग इसे किससे डिवाइड कर देंगे, आई नॉट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, आखिरकार ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो आई नॉट को हम लोगों ने एक तरीके से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज निकालना है, तो इसलिए एवरेज निकालना है कि आखिरकार इसका एवरेज क्या आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लैम्डा बाई टू तक के लिए, और फिर जो भी लेंथ है उससे हम लोग ने डिवाइड कर दिया, 1 by λ/2 से हम लोग ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1 by λ/2 से हम जब हम लोग ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 by λ, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to λ/2 साइन ऑफ 2π/λ इंटू जेड डी जेड। ओके, अब देखिए, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या आ जाएगा बताइए, 2π/λ, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन बताइए क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 2π/λ इंटू जेड डिवाइडेड बाय माइनस बाहर लगा दिया, ओके, 2π/λ। सो ये λ कैंसिल आउट हो गया और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी विल गेट, अच्छा 0 पुट करेंगे और λ/2 पुट करेंगे, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल कम माइनस, ओके, 1π, ओके, कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 2π/λ इंटू λ/2, दिस विल गेट कैंसल्ड, ओके, माइनस कॉस ऑफ 0, सो ओवरऑल वी विल गेट माइनस माइनस वन, सो वी विल गेट 2 हियर, ओके, सो 2π, सो दिस विल बी LE/LP, सो इफ यू विल हैव अ काइंड ऑफ साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन देन their relationship will be LE into LP will be equals to 0.64 LP, means physical length जो है अगर वो उसमें purely sinusoidal distribution होगा तो effective length will be 0.64 times of the physical length। अगर वही अगर हम लोग ये कहें कि ऐसा है कि सर कि ये जो length है ना physical length that is very very much less than λ/10, ये λ/10 से बहुत छोटी हो गई, तो λ/10 से अगर बहुत छोटी हो गई है तो भी यहाँ पर आपको पता है, और साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, तो साइनोसॉइडल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कैसे होता है, दैट इज इक्वल्स टू ऐसे ही होता है भाई, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू λ/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू λ/2, तो λ/10 होने पर अगर आप कहोगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, λ/10 विल बी लाइक दिस, तो ये λ/10 में अगर आप देख रहे हो तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंगुलर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिखेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंगुलर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है कि नहीं, दिस इज काइंड ऑफ ट्रेंगुलर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दैट इज दैट इफ this LP is very very much less than λ/10, so we will get kind of triangular kind of distribution, and for this triangular kind of distribution आपको पता है कि जब आप average value निकालोगे triangle के case में तो वो half होती है, तो LE/LP will become 1/2, so in this case
when the length of the wire will be much much less than lambda by 10. So in this case the effective length will be how much? 1 upon 2 times of the physical length. Okay, so this is the relationship between effective length and physical length. Similarly there is also a relationship between effective aperture and physical aperture. Okay, तो जब भी आपके पास कोई इस तरीके का एंटीना होता है जहाँ पर कि अपर्चर इन्वॉल्व होता है, मीन्स जस्ट लाइक एज अ हॉर्न एंटीना, अगर इस टाइप का कोई हॉर्न एंटीना है जहाँ पर कि आपका अपर्चर इन्वॉल्व है, ठीक है, इस तरीके का अगर हॉर्न एंटीना है जहाँ पर अपर्चर इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि जो आपके पास जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, तो उसमें जो पोलराइजेशन है वो एज इट इज़ ना हो. पोलराइजेशन जैसे कि आपका ऐसा है तो एज इट इज़ पोलराइज्ड वेव रिसीव ना हो, ठीक है ना, एंड्स पे आपका स्कैटरिंग हो सकता है, ठीक है, एंड्स पे जो आपका है वो स्कैटरिंग हो सकता है और देयर मे बी फ्यू लॉसेस. तो ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स ये जो फिजिकल अपर्चर है और जो इफेक्टिव अपर्चर है उसमें डिफरेंस मिलता है. ठीक, सो द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव अपर्चर एंड फिजिकल अपर्चर कैन बी कैलकुलेटेड बाई effective aperture is equals to PT by WI, where PT is equals to total power delivered to the load and WI is equals to power density of the incident wave. There will be incident wave which will be incidenting here. So what is the power density of this incident wave and what is the power have been delivered to the load? So the ratio between this will give us what effective aperture. Okay, तो इट इज वी कैन कैलकुलेट कैप्चर एरिया दैट इज इक्वल्स टू इफेक्टिव एरिया स्कैटरिंग एरिया एंड लॉस एरिया. सो इट इज सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट्स वाई हियर वी कैन से दैट इफेक्टिव अपर्चर विल बी लेस. ओके, सो मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर डिवाइड बाई फिजिकल एरिया इज नाउ डिफाइंड एज अपर्चर इफिशियंसी. दिस इज अपर्चर इफिशियंसी. ओके, सो इन केस ऑफ we are also having a kind of formula d is equals to 4 pi a e by lambda square. D is equals to 4 pi a e by lambda square. This is very important relationship between directivity and effective aperture, and we will see it in next video.